तिब्बती पठार। कुछ लोग इसे दुनिया की छत कहते हैं। 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली उन्नत भूमि का अंतहीन विस्तार। इस उबड़ खाबड़ भूमि का एक हिस्सा उत्तरी सिक्किम में आता है। हर कोई यहां समुद्र स्तर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर जीना सीख गया है। उनमें से एक है तिब्बती रेत लोमड़ी। इस अजीबोगरीब दिखने वाली लोमड़ी को भारत में पहली बार 2005 में देखा गया था। अपने असामान्य चौकोर चेहरे, संकरी थूथन और छोटे कानों के कारण यह दूसरी लोमड़ियों से अलग दिखती है। एक सिद्धांत के अनुसार यह विशिष्ट आकार एक प्राकृतिक अनुकूलन है जो इस पठार पर चलती तेज हवाओं का सामना करने के लिए विकसित हुआ है। उसका पसंदीदा शिकार दिन में सक्रिय होता है, पायका, खरगोश के करीबी रिश्तेदार। ये बिल निवासी दिन का अधिकांश समय पठार पर चरते रहते हैं। एक तिब्बती लोमड़ी भोजन के लिए बिल छान रही है। उसे कुछ हलचल महसूस हुई है। नुकीले सिरों वाले इसके त्रिकोणीय कान छोटी से छोटी आवाज पकड़ने के लिए ही बने हैं। चूक गया। पायका तेज होते हैं और उनके बिलों से बाहर निकलने के रास्ते कई, जो शिकारी को प्रायः निराश कर देते हैं। अब शिकार के लिए एक नई रणनीति बनानी होगी। अपनी फीके रंग की खाल और बौने शरीर का फायदा उठाते हुए लोमड़ी चोरी चोरी आगे बढ़ती है। कई कोशिशों के बाद आखिरकार दिन भर की मेहनत रंग लाई है। उसका साथी आ गया है। तिब्बती लोमड़ी के जोड़े जीवन भर साथ रहते हैं और कभी कभी शिकार भी एक साथ ही करते हैं। यह विशाल पठार जहां पायका की कोई कमी नहीं, इस जोड़े और उनके बच्चों को आने वाले कई वर्षों तक संभाल सकता है।